पर्यटकों के लिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर किसी भी समय आ सकते हैं। लेकिन नमस्कार, मेरा नाम आरव है और आप हिंदुस्तान कनेक्ट टीवी देख रहे हैं। आज हिंदुस्तान कनेक्ट टीवी पे मैं आपको एक बस्तर का बहुत अच्छी जगह दिखाने वाला हूँ, जिसका नाम है शिवानंद आश्रम। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये शिवानंद आश्रम का मंदिर है। और बस्तर अपनी प्राकृतिक चीज़ों को लेकर काफ़ी बड़ा अपने अंदर रहस्य बनाए बैठा है। यही बस्तर की चीज़ें देखने और दिखाने के लिए हम हिंदुस्तान टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मेरे पीछे आप जो मंदिर देख पा रहे हैं, और यहाँ की प्राकृतिक धरोहर, यहाँ पर मंदिर हैं, छोटी छोटी भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और भगवान शिव के शिवलिंग यहाँ पर स्थापित हैं। मैं आपको बताता चलूँ, बस्तर प्राकृतिक धरोहर के मामले में बस्तर ने अपने अंदर इतनी प्राकृतिक चीज़ें समेटे बैठा है जिनका आज तक लोगों ने देखी भी नहीं होगी। बस्तर की हम बात करते हैं, बस्तर के कल्चर की बात करते हैं, हर एक चीज़ में अलग और अनूठी अनुभूति होती है। और उसी अनुभूति को और उस अनूठे एहसास को आपके घरों तक पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान टीवी में हम आप तक ये चीज़ें, ये दृश्य पहुंचा रहे हैं। तो आपके आगे साथ आपको मैं बताता चाहूँ, ये यहाँ पे आश्रम है, शिवानंद आश्रम है, पीछे मंदिर है, ये यहाँ पर पहाड़ी है, पहाड़ी मंदिर, जो ये मंदिर आप देख सकते हैं, इस मंदिर के नीचे का एक भाग बताता हूँ। इसके नीचे से नदी निकलती है, जो नदी उस तरफ से आती है उस तरफ निकल रही है, भगवान शिव की अंदर मूर्ति भी स्थापित है। यही चीज़ हम दिखाते हैं आपको, आप देखते रहिए आगे का एपिसोड। नाम से डराया धमकाया जाता है कि बस्तर के अंदर नक्सल होगा, बस्तर के अंदर ये होगा, बस्तर का जंगल इलाका है और बस्तर के अंदर क्या है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, बस्तर के अंदर एक अनूठा एहसास है जो आपको और कहीं नहीं मिल पाता, वो बस्तर में मिल पाता है। बस्तर के अंदर वो रेशमी चीज़ें हैं जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलती, वो बस्तर में मिलती है। आप हज़ारों रुपए की टिकट दे के, हज़ारों करोड़ों रुपए लगाकर किसी रिसोर्ट की बुकिंग ये कर लेते हैं, फिर भी वो अनूठा एहसास नहीं मिल पाता, वो आपको बस्तर दिलाता है। आप देख सकते हैं, ये मंदिर के नीचे से अभी क्या है, बरसात का समय नहीं है, ये नदी बंद हो रखी है तो भी थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। ये भगवान शिव की मूर्ति है और ये मंदिर है, और मंदिर की उस तरफ भी नदी है। यहाँ पर इस शिवानंद आश्रम की बात करें तो इस आश्रम की आगे की जानकारी यहाँ के महंतों से हम लेंगे, यहाँ के पुजारियों से हम लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा एक चीज़ आपको एक दृश्य बताता चलूँ तो आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सारे ऋषियों के मूर्तियाँ लगी हुई हैं, उधर भगवान श्री कृष्ण का लगा हुआ है, गाय में है, गाय खड़ी है और भगवान कृष्ण दूध पी रहे हैं, ये भगवान महादेव की मूर्ति विराजित है पानी के बीचों बीच। ऐसी चीज़ें बस्तर में ही मिल पाती हैं, ये अनूठा एहसास हमें बस्तर ही दिलाता है। अब आप में से कुछ लोग ये नहीं जानते होंगे बस्तर क्या है। बस्तर ये संस्कृति है और इस संस्कृति को ही हम बस्तर बोलते हैं। बस्तर एक संभाग है, एक संभाग मुख्यालय है, एक जिला मुख्यालय है, लेकिन उस जिले और संभाग के अंदर जो संस्कृति आती है वो बस्तरिया संस्कृति, जो हिंदुस्तान में अपनी छाप छोड़े हुए हैं। लेकिन बस्तर का नाम आते ही कुछ लोगों के मन में वो नक्सल आ जाता है। एक बात बताता चलूँ आपको कि ये जो नक्सल शब्द है ना, ये बहुत बड़ा घातक शब्द है। नक्सल कोई वो नक्सल नहीं है, अब राजनीति ने यहाँ पर नक्सल के नाम पे राजनीति करनी चालू कर दी। एक विचारधारा है नक्सल, और उस विचारधारा को ख़त्म करने के लिए हम और आपका सहयोग जरूरी है। ऐसी चीज़ें देखने के लिए बने रहिए हिंदुस्तान कनेक्ट टीवी पर, दिखाते हैं आगे का। भगवान महादेव की प्रतिमा देख सकते हैं, छोटी छोटी है भगवान की मूर्तियाँ लगी, साधु संतों इधर नागराज आगे विराजमान है, गाय माता, कृष्ण भगवान का दूध, जहाँ पर गुफा है, ये भगवान की भक्ति करते हुए साधु हैं, जो महर्षि वाल्मीकि, महर्षि भारद्वाज, इनकी समस्त मूर्तियाँ लगी हुई है। आप देख सकते हैं पहाड़ों के अंदर बड़े अनूठे हिसाब से लगाई गई है। नदी का ये भाग है और हम नदी के ऊपर खड़े हैं इस भाग। ये पुरानी जो पिल्लर नुमा आकृति से मूर्ति बनी हुई है,
भगवान शिव की, ये भगवान श्री गणेश की नदी का दूसरा भाग है। यहाँ पर सन्यासी रहते हैं जो यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। इसी महंत की बड़ी अच्छी कुटिया बनी हुई है यहाँ पर। ये भगवान शिव का मंदिर है गुंडा की, घूमर गुंडा के। जब वहाँ पे स्वामी जी के पास में मैं खड़ा हुआ हूँ तो मुझे जानकारी ये मिल रही है कि यहाँ पर जो पीछे बरगद का पेड़ मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देवताओं का वास हुआ करता था और महाराज जी यहाँ पे अपनी लाल सेवाएं दे रहे हैं। 2010 तक यहाँ पर जो स्कूल चल रहा है वो ट्रस्ट के माध्यम से, महाराज के माध्यम से चल रहा था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने अपना बड़ा दिल दिखाया और अब वो सरकारी स्कूल हो गया। मेरे पीछे आप गौशाला भी देख रहे हैं और महाराज जी से देखिए, महाराज जी मेरे पास ही में खड़े हैं। अगर मैं चाहूँगा महाराज जी को कोई आपत्ति ना होगी तो हम बात करेंगे। महाराज जी जैसे महाराज जी यहाँ का थोड़ा सा आप जैसे मुझे बता रहे थे, यहाँ थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण बताइए। यहाँ जो है मैंने नाम का घुमरगुंडा है, कुंड का नाम है घुमरगुंडा, कुंड गली, हाँ कुंड का नाम। ये ग्राम गांव जो है जपोड़ी, किसी का नाम से ज़्यादा जानते लोग कुंड के नाम से। अरे जो है बहुत पहले से ही प्राचीन देव स्थान है ये, यहाँ पर जो बहुत मानते इसको। अरे यहाँ के जो बैगा लोग हैं ना घुमरगुंडा पहले मनाया करते, आजकल तो भूल रहे हैं, पहले यहाँ कर और यहाँ पर 1975 27 जुलाई हमारे गुरु महाराज यहाँ आके बैठे। उनका पूर्व नाम था लखनऊ राम, लखनऊ बाबा बोलते हैं, सन्यास नाम उनका हो गया सदा प्रेमान, स्वामी सदा प्रेमान। तो हमारे मुख्यालय ऋषिकेश में है दिव्य जीवन संघ करके, दासनाम है संघ का नाम है दिव्य जीवन संघ, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वहाँ से जुड़ा ये संस्था। गुरु महाराज का 1992 में उनका छूट गया, उसके बाद मेरे पास यहाँ रहता हूँ। हमारा ट्रस्ट है, हम सब चलाते हैं। वर्तमान में 55 बच्चे हैं और कुल मिलाकर सब लोग 60-65 लोग हम लोग रहते हैं, है ना। गाय भी है और ये स्कूल हम लोग पहले अपने ट्रस्ट के नाम से हम चला रहे थे 2010 तक। 2010 में फिर बच्चे हमारे पास बहुत आते थे और उस समय हमारे पास व्यवस्था होती नहीं थी, कम था, टीचर भी कम थे, इसलिए हम लोग फिर सरकार के पास गए। उस समय एक गुप्ता साहब, केसी साहब, उनसे बोले साहब यहाँ पर एक कुड़ी के नाम से स्कूल था, बहुत पहले आया था, बच्चे नहीं होने से वो वापस बंद हो गया, अगर वो स्कूल अभी आप खोलते तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता, स्कूल बिल्डिंग मिलता और बच्चों के लिए कुछ ड्रेस मिलता, कापी किताब मिलता। बोलने से वो बोले ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, वैसे बंद बच्चे नहीं बोलते, बंद हुआ वाला चालू होता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। कोशिश किए हो गया भगवान कृपा से। फिर वो बोले कि देखिए आप इतना मेहनत कर रहे हो तो छात्रावास है ना अपने पास रखिए, स्कूल शासकीय रहेगी, टीचर भी शासकीय होंगे, स्कूल बिल्डिंग भी शासकीय होगा, छात्रावास आपके ट्रस्ट का है। हम लोग देखते हैं उसको, हमको मध्यान्ह भोजन मिलता है, बाकी जन सहयोग से हमारा आश्रम दोनों टाइम का भोजन, सुबह का नाश्ता, शाम का खाना, ये सब देखते हैं। और अब 2000 का जो खाना है मध्यान्ह भोजन वो सरकार की ओर से मिलता है। ये जो पीछे की तरफ में जो ये मेरे घर देख पा रहा हूँ, ये निवास स्थान आपके यहाँ पे साधकों के ही या फिर ग्रामीणों के? ये जो है ना, ये हमारे जो कार्यकर्ता रहते हैं ना, जो कुछ बहनें रहती हैं, खाना वाना बनाते हैं उनके लिए, जो आश्रम में सेवाएं दे रही हैं उनके लिए। यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये छोटा सा पोस्ट ऑफिस भी लगा लग रही है। पोस्ट ऑफिस ना, ये हमारे गुरु महाराज के देहांत के 2-3 दिन के बाद जो है ना ये खुल गया है ये पोस्ट ऑफिस को, मतलब 1993 में ये पोस्ट ऑफिस खुल गया है। यानी आपको दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा जन्म वर्ष भी 1993 है और 1993 में ये पोस्ट ऑफिस खुला है। मात्र देखो ना 30 साल पहले यहाँ पर पोस्ट ऑफिस लग गया था। फिर भी मैं पर्यटकों को एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे नक्सल के नाम से लोग डरते हैं और बस्तर में नहीं आते। आप देख सकते हैं एक ये दूर दराज का क्षेत्र है, यहाँ पर 30 साल पहले पोस्ट ऑफिस खुल गया, तो यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आराम से जो भी भारत के किसी भी कोने में हैं आप दर्शक यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ का लुत्फ़ उठा सकते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बस्तर का जो यहाँ का रंग है और यहाँ का ढंग है वो आप किसी करोड़ रुपए दे के किसी रिसोर्ट के अंदर भी आपको नहीं मिल पाएगा, जो यहाँ पर बस्तर के अंदर आप फ्री में उपलब्ध हो जाता है। बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े घर हैं महाराज जी, जो हमारे दर्शक हैं जो टीवी पर अभी हमें देख रहे हैं वो अरबों रुपए लगा देते हैं, बड़े बड़े महानगरों के अंदर हैं, लेकिन जो यहाँ का अनूठा संगम है वो कहीं नहीं मिल पाता है। आप जैसे कि यहाँ पे पीछे गौशाला लगा रखी है, और आप यहाँ पर कितने समय से कार्यरत हैं महाराज जी? यहाँ 78 में आया,
1978 में आए थे जी, तब से यहीं पर यहीं पे सेवाएं दे रहे हैं। तो महाराज अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये बस्तर का अनूठा कल्चर लेके हम चल रहे हैं, बस्तर की संस्कृति दिखाते हैं, बस्तर के लोग दिखाते हैं और बस्तर का यहाँ का रहन सहन और खान पान आपको दिखाते हैं। यही बस्तर का रंग है, जो बस्तर में आता है वो बस्तर का होके रह जाता है। कहा तो है, ये भी जाता है कि बस्तर की संस्कृति ऐसी है जो अपने आप में समेटने में बहुत काफ़ी है। बस्तर में आ तो जाता है बाहरी व्यक्ति, आप यहाँ पर देख सकते हैं बस्तर, अगर आए आप झारखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, असम, नागालैंड, राजस्थान, गुजरात, हर जगह के व्यक्ति आते हैं, लेकिन बस्तर में जब आते हैं और दंतेश्वरी माई की कृपा से बस्तर के होके रह जाते हैं। जो ये शिवानंद आश्रम मैं बता रहा हूँ, ये जगदलपुर से 77 या 78 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यहाँ का दंतेवाड़ा जिला लगता है, जिला मुख्यालय की जो तहसील लगती है गीदम से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बड़ा अच्छा है। महाराज जी, यहाँ पर अगर कोई बाहरी पर्यटक आता तो फिर रहने की व्यवस्था है गीदम में होती है? यहाँ पे यहाँ आश्रम में रहने की व्यवस्था है ना? अगर आप बाहरी पर्यटक कोई भी आए तो यहाँ पर आश्रम में रहने की व्यवस्था भी देती है। और यहाँ पर कोई मेला वगैरह लगता है महाराज? मेला शिवरात्रि में बहुत बड़ा मेला लगता है। दूसरा मेला लगता है हम लोग जो गुरु जी की जो बरसी मनाते हैं हम लोग ना जी, वो अभी साल 16 जनवरी को होगा, उसमें बहुत 6-7 हज़ार लोग आते हैं। यहाँ पे 16 जनवरी को यहाँ पर गुरुदेव जिन जो यहाँ के संस्थापक थे, जिन्होंने यहाँ पर आश्रम की शुरुआत की थी, उनकी बरसी का जो लगता है वो जनवरी में लगता है। और आप अगर वैसे किसी भी महाशिवरात्रि को आए, और शिव भक्तों के लिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर किसी भी समय आ सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि को बहुत बड़ा मेला लगता है। जी महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान कनेक्ट टीवी पर अपना साक्षात्कार देने के लिए।